कैसा हो रहा है बताओ? बहुत इंटरेस्टेड। हेलो राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सभी को मम्मी ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। आज मेरे को बोल रहे हैं बच्चे लोग, तो मम्मी हम चिकन खाएंगे, बनाओ भैया। आप देखती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं, आप लोग भी पसंद करना। उसके लिए मैंने तैयारी कर लिया है। 3-4 मैंने छोटे 1 किलो चिकन के लिए 3-4 प्याज, 2-3 बड़े बड़े टमाटर और हरी मिर्च है ये तड़का के लिए ये रखा है। क्या है, काली मिर्च है, लौंग है और थोड़ी सी टुकड़ा जायफल है, जीरा है और इसमें तेज पत्ता का टुकड़ा और ये तड़का के लिए ये सामग्री होगी। और नॉर्मल से मसाले हो गए इसमें मेरे, है ना, धनिया पाउडर, धनिया तो पिसा है, थोड़ा गरम मसाला है इसमें, ये जीरा पाउडर है और चिकन मसाला है। और इसमें पीसने के लिए अभी मैं पीसती हूँ इसको, जीरा, एक बड़ी इलायची है और 1-2 बड़ी छोटी इलायची तड़के में डाल दूँगी, और जीरा और लहसुन और अदरक का ये टुकड़ा, इतना मैं सिलबट्टे में अभी पीसती हूँ। ये तैयारी करके अभी फिर दिखाती हूँ आप लोग को कैसा बनता है। तो इतनी तैयारी कर दी मैंने, ये धुल गया अच्छे से, एक पीस गया मसाला, एक टमाटर कट गया। अब इसको मैं इसमें डाल के पीसूँगी और ये कढ़ाई, और इसमें मैंने चावल भी भिगो दिया, थोड़ा जीरा का तड़का लगा के बनाऊंगी चावल हैवी। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं, इसमें हमने रिफाइंड तेल डाल दिया थोड़ा, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। चलो तेल मसाला वाला भी तो आपत्ति करता है आजकल। ये तेल गरम करने तक हम चावल डाल देते हैं ना। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, थोड़ा नमक तेज गर्म हो गया, अब इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता। और डाल दिया दालचीनी और हरी इलायची और ये लौंग, काली मिर्च डाल दिया, प्याज को एकदम बारीक पीस गया है। टमाटर भी थोड़ा सा लाल हो गए, तो मैं पिसा हुआ मसाला डालूंगी। अरे दोस्तों मेरा ये लाल हो गया ना प्याज, मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ मसाला। हाँ हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, मिर्ची में तो अच्छा भी नहीं लगता है, एकदम
बारीक बारीक खिंच जाएगा वो। अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे, थोड़ी देर ऐसे पकेगा। अब थोड़ी बहुत मसाले डाल देंगे इसमें, नमक, धनिया पाउडर है ये, एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। हरी मिर्च को मैंने पीस रखा है, ये लाल कलर आ जाता है ना। इतना मसाला मैंने अभी ऐड कर दिया। जीरा पाउडर में डालेंगे, जीरा जीरा मेरा मैंने पीस रखा है, अभी पत्ता ना, बाद में मैं चिकन मसाला डालूंगी, तो मैं अच्छे से पकने देती हूँ, तो उसके बाद ही डालूंगी चिकन। अभी मेरा ये मसाला अच्छे से पक गया है, अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। अच्छे से वो करके मैं हल्की सी आंच में इसको पकने दूंगी टाइम। दोस्तों मेरा खाना बनके तैयार हो गया, चावल भी बड़े अच्छे बने हैं, ये इधर मेरा सलाद भी कट गया। अब खाने की तैयारी, अरे होटलों को जो सुनो रे भाई, होटलों को जो। दोस्तों कैसे लगा मेरा बनाना बताना, अब समाप्त करते हैं, फिर हो गया, अब खाना खाते हैं। आप लोग भी बाय बाय करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आप लोग भी घर में बना के खाओ। होटलों का तो आजकल इतना वो नहीं होता है, स्वादिष्ट भी नहीं होता है, मेरे को तो अच्छा भी नहीं लगता। खैर घर में बनाओ, खाओ, परिवार के साथ खुश रहो, प्रसन्न रहो। बाय बाय, अगला चैनल देखो, अपने मम्मी पापा को भी दिखाओ, आप भी देखो।